एट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कोटला रोड पर मैं खड़ा हूं। कभी इस ढोरा वासियों ने सोचा भी नहीं था कि पानी यहां तक पहुंचेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बरसात और आफत झेलनी पड़ रही है इस ढोरा वासियों को। देख सकते हैं नई टोली मोहल्ले के घर घर में पानी पहुंच चुका है और सनातन धर्म मंदिर के आसपास के इलाके में पूरा पानी घुस चुका है। वहाँ पर भी हम जाकर जायजा लेंगे, भी जानकारी लेंगे, वहाँ से भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फिलहाल तो जो आपको खबर दिखा दें, जो कॉलोनी है अप्रसिव कॉलोनी है, यहाँ जो पास ही है रामबाग के ठीक सामने बीओ ऑफिस के आसपास, वहाँ में लोग जो फंसे हुए थे, अब जानकारी जो मिल रही है उनको सुरक्षित निकालने के लिए वाहन आदि ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लेकर SHO अनिल कुमार और उनकी टीम वहाँ पर गई हुई और वो यहाँ पर आएंगे। देख सकते हैं कि लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि पानी इतना आज तक, काफ़ी बुजुर्ग लोगों से बातचीत जो उनका कहना कि इतना पानी आज तक उन्होंने नहीं देखा है काफ़ी। और आगे कोटला रोड से आगे रणजीतपुर साइड जाना, कोटले की तरफ जाना बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। और उधर जो जानकारी मिल रही है रत्तू वाला की तरफ से, जो घूमकर कोटला सड़क जाती थी वो भी कई मीटर की जो सड़क थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहाँ से भी आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। देख सकते हैं कि पानी चारों तरफ पानी का ही मंजर है, ये तटबंध किसी काम का नहीं आया। तो अब जो कॉलोनी शिव कॉलोनी है वहाँ से लोगों को निकालने का कार्य लगातार जा रहा है। काफ़ी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग वहाँ पर फंसे हुए थे तो ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लेकर SHO अनिल कुमार वहाँ पर गए हुए हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए दूर हम देखें तो वो हमें नज़र आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो काफ़ी कई फुट गहरा पानी जो इस चौक पर खड़ा हुआ है। पर प्रशासन ने रस्से आदि बांध कर इस रास्ते को भी बंद कर दिया था, लोगों को रोक दिया गया था कि वो कोटला रोड पर ना जाएं, खतरनाक साबित होगी। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां तो नहीं कहेंगे, खैर ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो बैठता सवारी कहलाएगा। ये जो लोग हैं इस कॉलोनी के, जो शिव कॉलोनी है दूर तक आगे जा रही थी उस कॉलोनी के लोग जो हैं उनको ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर यहाँ पर लाया जा रहा है। काफ़ी गहराई में ये लोग डूबे हुए थे तो इनको अब सेव करके यहाँ पर लाया गया है। अब देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पर गई और इन लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया। अब जितने भी लोग यहाँ पर बसे हुए थे ये देख सकते हैं, नगर पालिका के लोग और साथ में पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ था, ये लोगों को अब सुरक्षित लेके जा रहे हैं। अब देख सकते हैं मंजर, लोगों का काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है। तो चारों तरफ समुंदर सदृश्य, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कोटला रोड की तरफ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हालत खस्ता होती जा रही है। कहीं कहीं फुट तक पानी और यहाँ पर रास्ते को अवरोध कर दिया गया है कि आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है, कोई निकलने का रास्ता कोटला की तरफ नहीं है। रणजीतपुर रोड पूरी तरह से बाधित हो चुका है, इधर से बाईपास रोड रोजा पीर की तरफ सड़क के ऊपर भी यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो गया है। कहीं कहीं फुट गहरा पानी जो है यहाँ पर, अब प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए हैं, दो रस्से बांधकर दोनों तरफ से रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है और हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। पानी लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं काफ़ी गहरा पानी चारों तरफ मंजर जो नज़र आ रहा है। और उधर से रत्तू वाड़े की तरफ से भी अब कोटला जाना मुश्किल हो गया, सड़क भर चुकी है, सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लोग दुर्घटना का वहाँ पर शिकार हो रहे हैं जैसी सूचना हमारे तक आई है। तो चारों तरफ ये मंजर पानी का आफत जो है सढ़ोरा वासियों को, सढ़ोरा इलाके वासियों को, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बरसात हुई और इसका खामियाजा जो है अब सढ़ोरा के लोग भुगत रहे हैं। पूरी तरह से नई टोली की मोहल्ला जो है जलमग्न हो चुका है, जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है। और अपना जो स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो तो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है। वहाँ पर अब अगले कई दिन तक पढ़ाई जो है बाधित रहेगी। अब उस नाके पर आ गया हूँ जहाँ पर ये नाकर दो रस्से बांध दिए गए थे, इधर से दोनों तरफ से रस्से बांध दिए गए हैं, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया कि कोई भी यहाँ से आगे ना गुजरे, ना कोई इधर से जाए, ना कोई इधर से आए। देख सकते हैं रस्सा बांध दिया गया तो लोगों का, वाहनों का आवागमन, लेकिन जिन लोगों ने जाना है हिम्मत करके जान जोखिम में डालकर जो है ये लोग गुजर रहे हैं। और बॉडी का आधा हिस्सा पानी में है और आधा हिस्सा ऊपर है, तो बड़ा काफ़ी डेंजरस ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त कि चारों तरफ से पानी पानी, जैसे समुंदर के बीच में लोग खड़े हैं। और कई दिनों तक ये पानी जो है अभी उतरने का नाम निशान नहीं लेगा, तो लोग जान में जोखिम में डालकर जो है आवागमन करना उनके लिए
बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जान में जोखिम डालकर ये पैदल लोग इधर उधर से आ रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग गए थे वहाँ पर फंस गए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर में आए हुए थे वो शहर में फंस गए, तो बड़ा दिक्कत का हो रहा है। यहाँ इस इलाके से पानी नई टोली मोहल्ले के अंदर देख सकते हैं, नई टोली के आसपास की जो दुकानें हैं पूरी तरह से पानी से भर चुकी है, और नई टोली को भी हम कवर करेंगे, देखेंगे कि वहाँ की पोजीशन क्या है। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि जो कोटला रोड का चौक, रामबाग का चौक है, ये पूरी तरह से पानी से जलमग्न है। रामबाग शमशान घाट भी पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो चुका है। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। देख सकते हैं आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। से उधर से आते हैं, उनके बाइक जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। जितने भी बाइक खड़े हुए हैं सब पानी से, सिलेंसर में पानी जा जाकर खड़े हो चुके हैं। अब इनको मिस्त्री आदि को बुलाकर इनको ठीक करवाना पड़ रहा है। लोगों की मुश्किलें जैसे कि मैंने बताया कि लगातार बद से बदतर होती जा रही है, और पानी धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। संख्या में मोहल्ला नई टोली के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, घर में पानी प्रवेश कर चुका है। खैर बच्चों को तो मस्ती चाहिए और वो मस्ती ले रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हालत कितनी ख़राब है, और अब सिर्फ पानी के उतरने का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको दृश्य दिखाते हैं मोहल्ला नई टोली का, जो वर्षों से ये ट्रेजेडी झेलो, लेकिन इस बार तो यहाँ पर इतना पानी आ गया कि भाई जिनके घरों में पानी घुसा नहीं था उनके घर में पानी घुस गया है। देख सकते दृश्य, यहाँ तक पानी। हाँ जी टेकचंद जी, क्या कहेंगे, कहाँ तक पानी आ रहा है? यहाँ तक पूरा मोहल्ला डूब गया, घरों के अंदर भी घुटने तक का पानी। इतना पानी तो कभी तो नहीं आया आज तक, इस बार ज्यादा। तो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, चलिए हम भी थोड़ा अंदर तक जाने के प्रयास करते हैं। तो कल तो लगभग यहाँ से 50-60 कदम के दूर पानी था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पानी जो है घरों के अंदर प्रवेश कर, जो बहुत घर ऊंचे थे, जो ये दावा करते थे कि हमारे घर में पानी प्रवेश नहीं करेगा, उनके घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। ये देख सकते हैं आप पानी घरों के अंदर किस प्रकार से लबालब भरा हुआ है, ये देखिए घरों के अंदर प्रवेश। अब मेरे भी घुटने क्रॉस कर चुके हैं, अब घुटने तक तो मैंने भी अपने लोअर को किया था, लेकिन ये घुटनों से ऊपर आ चुका है ये पानी अंदर। यहाँ पर कल दावा था कि ये पानी आगे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी। हाँ जी क्या कहेंगे, पानी हो गया, पानी घरों में 5-4 फुट पानी, इतना पानी पहले तो कभी नहीं आया, पहले नहीं कभी आया। तो घरों का सामान भी गड़बड़ हो गया, क्या कुछ नुकसान होया? घरों में अनाज वगैरह जो गंदा सब कुछ खराब हो गया। तो वास्तव में जो घरेलू सामान था, ये देखिए आगे जाने की हमारी भी हिम्मत नहीं है, और पानी और आगे बढ़ेगा। अब पूरा हाफ जो नीचे जा चुका हूँ, तो आगे जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं तो घरों में क्या स्थिति है। तो दरवाजे बंद करके भी काम नहीं चल रहा है, पानी आगे ही बढ़ता जा रहा है, देख सकेंगे। तो स्थिति जो है, हालत लगातार नाजुक होती जा रही है। दूर तक पानी, मंजर आप देख सकते हैं कि ये कोई नदी का इलाका नहीं है, ये इलाका आपकी नई टोली का है, जिसमें सैकड़ों घर अब पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति का कमोबेश बहुत दूर तक की ये इस पोजीशन है कि घरों में पानी पूरी तरह से प्रवेश कर गया है। हाँ जी इतना पानी कभी पहले तो नहीं आया। हाँ जी सैनी साहब, आज तक देखा नहीं इतना पानी। वाह जी वाह जी वाह, तो गया अंदर भी घुस गया पूरा पानी। वाह जी वाह, घरों के अंदर तक पानी मार कर चुका है। तो पोजीशन आप देख सकते हैं कि आश्वासन इनको प्रशासन की तरफ से पिछले साल मिल गए थे नई टोली वालों को, लेकिन हालत बद से बदतर हो चुके हैं और लगातार ये पानी प्रवेश कर गया। और कितने दिन में उतरेगा, क्या कुछ ये इसके परिणाम होंगे, बीमारी छोड़ेगा, ऐसा कुछ सब लोग जो है कल्पना कर रहे हैं। और ये गंदा पानी है, कितने गाँव का पानी है यहाँ पर, हालत देख सकते हैं। गाँव के लोग, इस टोली के लोग बाहर आकर, घरों के छोड़कर बाहर आकर खड़े हो गए हैं। अब प्रतीक्षा में है कोई इन्हें किसी प्रकार से वो सहायता मिले, ताकि ये पानी यहाँ से बाहर जा सकें। बहुत ही हालत खस्ता हो चुकी है। इधर उधर वो शिव कॉलोनी, जो नैब सिंह सैनी MC के आसपास की कॉलोनी, और इधर से आपकी नई टोली कॉलोनी, इसमें पानी पूरी तरह से। बेटा सब क्या कुछ है, इतना पानी तो आपने भी देखा नहीं होगा अभी। पहले पहली बार आया इतना पानी। अच्छा, तो पहले आता था आके बस चला जाता था, तो नदी में पानी चला जाता था। अब नदी का पानी, पहले जो पिछला बहाव है वो जा रहा है, ये रुक रहा है। जब नदी का पानी प्रेशर कम होगा तब ये जाके पानी जा रहा है।
बहुत बरसातें हो रही हैं, हालत खराब होती जा रही है। हमारी रोड पे भी कभी पानी इतना नहीं आया था। अच्छा, पहले से एक फुट ज्यादा पानी आया, ज्यादा है और पता लग रहा है इधर 6-6 फुट पानी आ गया, 6-6 फुट घरों में, सातंदर मंदिर चौक पे। चलिए, बहुत मतलब नुकसान हो रहा है अभी, जैसे जहाँ से फंसे हैं लोग निकाल के लाए हैं। ये देख सकते हैं SHO अनिल कुमार जी पूरी तरह पानी में भीगे हुए हैं। ऐसे साहब अभी भी क्या लोग फंसे हुए हैं? नहीं, अभी मैं सारे जवानों को, कितने लोगों को लेके आए होंगे आप? कम से कम 150 आदमी हैं। अच्छा, जो ट्रैक्टर ट्रालियों से आपने निकाले हैं? हाँ, देख सकते हैं पूरी वर्दी पानी में भरी हुई है और गीले हो चुके हैं। ऊपर से ज्यादा पानी आ गया था, पानी वजह से मेरे को इन्होंने भाई ने बताया। सर जी की वजह से और कोई नहीं है सर। आपने फोन किनको किया था? इनको फोन किया, यही मिल गए थे हमें। सबसे पहले हमारे साथ चले 150 बंदे बच्चों को बचाया गए थे। अच्छा अच्छा, लगातार ट्रैक्टर ट्राली चल रही है, लगातार डूब गए। तो कितना फुट पानी है आपके उतरले पास कॉलोनी में? 8-8 फुट है, 6-6 फुट आ गए। बच्चे बुच्चे सभी को ले गए? अभी सब सुरक्षित बाहर आ गए सर। हाँ, सारे बच्चों को ले गए बाहर। SHO साहब ने बहुत अच्छी चीज की है सारे कार्य में, प्रशासन में सबसे बढ़िया काम है SHO साहब का। मेरे को पता लगा कि वो पानी में फंस गए, फिर मैं तुरंत वहाँ पे गया और जो मैं उनको सुरक्षित सभी बच्चों को निकाल रहा हूँ। चड्डा साहब क्या कुछ कहना है? देखो जी, प्रशासन में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे SHO साहब बिल्कुल जो भी दिन लागे काम कर रहे हैं, और प्रशासन इतना काम नहीं कर रहा, बिल्कुल SHO साहब का सलूट है। पिछले दो दिनों से लगे हुए SHO साहब को हम खुद हम देख रहे हैं, खुद भी ऐसे अफसरों को हम सलूट करते हैं। जी कोई नहीं खड़े हैं अभी, प्रशासन के नाम पर SHO साहब खड़े हुए हैं। बहुत बहुत क्या बात है, देख सकते हैं ये लोग, छोटे छोटे बच्चे इनके, कितनी हालत खस्ता हो सकती है। तो काफी पानी आया वहाँ पे, काफी है। और तो नहीं है कोई लोग वहाँ पर फंसे हुए अब? अच्छा, तो कह रहे हैं कि सभी को 150 लोगों को लगभग यहाँ पर SHO अनिल कुमार अपने इन वाहनों से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही दिक्कत का सामना सहन कर सकते हैं आप भी, देखेंगे तो पूरी वर्दी। हाँ सरदार जी सिंह साहब, क्या बात, पूरे गिल्ले हो गए? हाँ जी सर, पानी बहुत ज्यादा है, 6-6 फुट। तो आप भी साथ ही गए थे SHO साहब के? क्या बात है, कितने लोगों को? 150 लोगों को निकाल दिया है। तो कितने फुट पानी का आगे होगा? पानी सर 6-6 फुट है सर, जहाँ घरों में हम गए। अच्छा, अब तो कोई नहीं है वहाँ पर आबादी? अभी सर थोड़े बहुत हैं लोग, वो कह रहे अभी हम अभी नहीं आ रहे, हम बाद में आएंगे, कह रहे अभी अपना सामान समेट रहे होंगे, पशु भी है ना अंदर। सर उनके सामान का कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत है मैडम, 5-6 फुट पानी है घरों में, सामान खराब होगा, घर का घरेलू सामान होगा, अनाज अनुज होगा, सारा ही सामान नीचे डूबा पड़ा है। वाह जी वाह, इतना पानी तो लोगों ने कभी देखा नहीं सर। चलिए जी, चलिए धन्यवाद जी, बहुत हिम्मत की आपने। देख सकते हैं कि SHO साहब की टीम का एक हिस्सा, इन्होंने लगातार ये मेहनत की है और पानी से लोगों को निकाला है, और इसके लिए पूरे लोग जो है उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और SHO साहब भी हम मौके पर आए हैं। तो हालत नई टोली के आसपास और शिव कॉलोनी के आसपास की हालत खस्ता हो चुकी है। SHO साहब भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। लेकिन जितने भी प्रयास हैं सब जो नकारा साबित हो रहे हैं और लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, लोगों की बाढ़ सदृश सड़ोरे में हो चुका है। SHO साहब भी अब दिशा निर्देश दे रहे हैं। लगातार वो दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रशासन को। और ये जो लोगों को निकाल कर लाया गया है, उनको सुरक्षित जगह गुरुद्वारे आदि में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि भोजन आदि का इंतजाम वहाँ पर किया जा सके। तो ऐसे दिशा निर्देश गुरुद्वारा प्रबंधकों को यहाँ से प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं। चलो अब बात करेंगे SHO साहब से, कोशिश करते हैं, वैसे बिजी हैं काफ़ी दिशा निर्देश में इस वक्त फिलहाल, हम भी उनको इंटरफेयर बीच में नहीं करना चाह रहे, और गुरुद्वारे आदि में इनकी व्यवस्था करने का प्रयास जो है अब इस वक्त किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। हाँ जी ड्राइवर साहब, आप ही गए थे, कितने चक्कर लगे आपके? हाँ जी देखिए, अच्छा 10 गए, कितने चक्कर में लेके आए बाहर इनको सबको? दो ट्रैक्टर में। कितने के लोग आगे बाहर? 100-150 लगभग आए। तो अभी भी हैं कुछ लोग वहाँ पे? तो पानी भी काफ़ी है अंदर, घरों के अंदर भी कुछ ट्रैक्टर डूब गया था, तो घरों के अंदर ही पानी घुसा हुआ है। चलिए, नुकसान भी घरों का, नुकसान सामान का। चलिए बता रहे हैं, देखिए परिचालक कहते हैं ट्रैक्टर भी पूरा डूब गया था और एक दो बार फंस भी गया था, बड़ी मुश्किल से इसको निकाल कर लेकर आए हैं। तो काफ़ी मशक्कत प्रशासन
प्रशासन को इस वक्त करनी पड़ रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार अब पुलिस प्रशासन इस काम में लगा हुआ है कि भी क्या किया जाए क्या नहीं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अब लोगों को सुरक्षित करने के लिए लगा हुआ है। लोगों को जो असुरक्षित जगह थी वहाँ से निकाल निकाल कर अब गुरुद्वारों में पहुँचाया जा रहा है, जहाँ की उनकी दिनचर्या सही हो सके, भोजन पानी का उनका इंतजाम हो सके। गुरुद्वारे के लोग जो है प्रबंधक समिति के लोग भी इस काम में आगे आ चुके और बाकी समाज का पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है यहाँ पर विकेट बनी हुई है कोटरा रोड के ऊपर, और कोटरा रोड पर इस वक्त जो भी साथी इधर उधर इधर आना चाहे जाना चाहे तो वो ना जाए, हालत ख़राब है। सड़कें बहुत बहुत गहरे 8-8 फुट तक का पानी सड़कों पर बता रहे हैं, गड्ढे लगे हुए हैं, तो कोई जान को जोखिम में ना डालें और अभी कुछ समय इंतज़ार करें ताकि कोई किसी प्रकार से कोई परेशानी आपको दिक्कत आदि का सामना ना करना पड़े।